पूरा देश ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर देश का सबसे सुरक्षित, सबसे एडवांस, सबसे टेक्नोलॉजिकली जो है इक्विप्ड हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हो गया। वहीं एबीपी गंगा से कुन्नूर हादसे के चश्मदीद ने अपनी बात कही, भयावह मंजर की एक एक दास्तां बताई। हादसे की जगह पर मौजूद एक चश्मदीद की आंखों देखी देखिए। जिस सन्न कर देने वाले हादसे में देश ने अपने जाबाज जनरल को खोया, शोक में डूबोने वाली जिस आफत के चलते काल के काल में समा गए देवभूमि के योद्धा जनरल बिपिन रावत। आखिर तमिलनाडु से दिल्ली तक हड़कंप मचा देने वाले इस हादसे का मंजर कैसा था? हर देशवासी को झकझोर देने वाले इस हादसे की आंखों देख मौके पर मौजूद चश्मदीद ने साझा किया। सुना आप, चश्मदीद के मुताबिक हादसे का शिकार बनने के बाद हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। बतौर चश्मदीद हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही चंद पलों के अंदर चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। फिर वायुवीरों का हेलीकॉप्टर धू धू कर चलने लगा और देखते ही देखते पूरा हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। बंद पाता तो पैसा उसको पुलिस को फोन करना पड़ा। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा चश्मदीद की आंखों देखी के इस हैरान कर देने वाले बयान से लगाया जा सकता है। ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார், மற்றவங்கெல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்து பொத்துன்னு உழுகுறாங்க। மத்தலப் சாப் चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही आग की चपेट में आ गई और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।